शाहबाद रामपुर पेट्रोल पंप पर आज प्रदूषण जांच केंद्र लगाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बाद में नगर की ट्रांस सपोर्टर गुड्डू भाई और शाहबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार भटनागर ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके पश्चात वाहनों के प्रदूषण की निःशुल्क जाँच की गयी और उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया, जिसमें राजीव कुमार भटनागर, सिफत मियां, विशाल शाहनवाज, फरजंद आदि अनेकों लोग शामिल थे। आज के इस कैंप में लगभग 150 वाहनों के प्रदूषण की जांच की गई, जिसमें लगभग 110 वाहनों को पीयूसी दिया गया, जबकि लगभग 40 वाहन मानकों पर खड़े नहीं उतर पाए। इन सभी वाहनों के साथ साथ ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिसमें सफेद रिफ्लेक्टर आगे की ओर और लाल रिफ्लेक्टर गाड़ी में पीछे की ओर लगाए गए। खास बात यह रही कि उपजिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वयं अपनी गाड़ी पर भी रिफ्लेक्टर लगाए। अरुण कुमार ने हमारे संवाददाता को बताया कि जिले में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ही सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। रामपुर जिले में 5 स्थायी प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। 5 अन्य प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे रामपुर जिले में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या 10 हो जाएगी और प्रदूषण की जाँच के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या रीजन है कि जो आपने ये कैंप लगाया है सर? परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को कम करने के लिए कटिबद्ध है, उसको देखते हुए हमारा विभाग विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसमें जो जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी रामपुर साहब ने पहली बार प्रयास ये किया है कि जो प्रदूषण प्रमाण पत्र हैं और जो रिफ्लेक्टर कैंप हैं, उनको हर तहसील स्तर पर हम आज आयोजित कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि ओम पर्यावरण समिति के माध्यम से आज हम पहली बार तहसील शाहबाद में एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदूषण कैंप लगा रहे हैं। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे हम रिफ्लेक्टर कैंप भी आयोजित कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को आज हमारे SBM शाहबाद साहब द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हमारी पूरी कोशिश है कि आज जो हम कवर करेंगे उससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा सेंट पॉल शाहबाद स्कूल में करीब 250 स्टूडेंट जो क्लास 9th और 10th के थे, उनको भी सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में जो आज हमारी यहाँ शाहबाद बस यूनियन है, उनके अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों द्वारा, हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। आप सभी से हमारी गुजारिश है कि सड़क सुरक्षा एक ऐसा पुनीत कार्य है, अगर हम एक भी जान बचाते हैं तो वो किसी एक परिवार की मुस्कान हमेशा के लिए आबाद करते हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस मुहिम में हमारे साथ रहें और इसको ज्वाइन